लोक सभा हलका गुरदासपुर तो भाजपा के उम्मीदवार दिनेश बब्बू ने नामजदगी पत्र दाखिल कर लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत से बोलदिया होया क्या कि माणयोग अदालत ने अरविंद केजरीवाल को इस लई जमानत दी है कि वह लोक सभा चोणों में कोई बहाना ना बना सकन। उन्होंने कहा कि 2 तरीक तो बाद अरविंद केजरीवाल को फिर जेल जाना पवेगा। नामजदगी तो पहला भाजपा के उम्मीदवार दिनेश बब्बू के वालों गुरदासपुर दियां सड़कां ते रोड शो भी कढ़िया गया जिस दे विच भाजपा समर्थकों का हजूम देखने को मिलिया। इस दौरान कुछ निहंग सिंह भी बब्बू की हमायत विच पहुंचे तो उन्होंने काफले दे विच नज़र आए ने। गुरदासपुर तो लवप्रीत सिंह खुशीपुर की रिपोर्ट एयर टीवी पंजाब हरियाणा लाइव के लिए। देखो अज तो आप घर तो 5-6 गड्डियां चलिया लेकिन आस्ते आस्ते लोग जुड़ते गए और जिसलै मैं दिना तक पहुंचा ना जी उसे हसूम बहुत ज़्यादा लोग ना जुड़े गुरदासपुर भी हर जगह जुड़ते गए और बड़ा प्यार मिलेगा लोगों का और 100% भाजपा फिर तो जितन जाएगी। देखो बहुत वधिया रुझान क्योंकि देखे ही अज जिस तरह लोग गड्डिया नाल दौड़े कटते हैं पूरा मतलब गुरदासपुर पैदल लोगों ने कटिया नहीं तो कभी इन्नी गर्मी से लोग पैदल नहीं चलते करके तो इस करके बड़ा प्यार मिले करता और बीजेपी 100% जीतेगी। चलो तुम देख ही लिया अच्छे गुरदासपुर भी देख लिया दिन भी देख लिया हूँ मैं इस बारे कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी ना जी दीनानगरों भी बड़ी वोटा जितनी है गुरदासपुर भी बटाला भी कादिया तो डेरा बाबा नगर उत्थों भी यही बराबर बराबर आ जाना बाकी हर जगह बीजेपी जीते करती है फतेहगढ़ जुड़े देखो तो किसान भी अपने भरा ही भरा मैं भी किसान परिवार तो हाँ 2-3 बार बैठे भी आना उन्होंने आप भी उन्होंने को हल जो है तैयार हैं ठीक है ठीक है जी धन्यवाद जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने आज इस गुरदासपुर लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। देश भर में जिस तरह से गरीब के कल्याण के राजमार्ग से होकर के देश को विकसित करने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है जहां एक तरफ 25 करोड़ गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके उनको गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त करते हुए देश की सीमाओं को सशक्त करते हुए देश को आर्थिक गतिविधियों का विश्व का केंद्र बनाने में सफलता जिस तरह से मिली है आज पूरा भारत और विश्व इस बात पर विश्वास कर रहा है कि भारत अब विकसित हो सकता है और विकसित होने की दिशा में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। विकसित भारत की आधारशिला रखने के लिए पूरा भारत एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बने और अब की बार 400 के पारों इस लक्ष्य के साथ में चुनाव के मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा है। पंजाब में हमारी नई शुरुआत है पहली बार 30 साल के बाद हम अकेले चुनाव के मैदान में लोकसभा के इस समर में जिस तरह से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है मुझे लगभग 5-6-7 लोकसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है जिस तरह से जनता एक नया फैसला करने की दिशा में आगे बढ़ रही है मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यह शुरुआत अब की बार चमत्कारी परिणाम देने वाली होगी और हम वी आर गोइंग टू बिगन विद ए ग्रेट मैंडेट एंड मेजॉरिटी। इसके साथ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का चरित्र अब उद्घाटित हो रहा है कांग्रेस पार्टी जिसने हमेशा ही देश को बांटने का षड्यंत्र किया अपनी सत्ता लोलुपता और अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटा आज़ादी के समय देश का विभाजन किया देश को जाति भाषा बोली धर्म मजहब ऊंच नीच अमीर गरीब के नाम पर विभिन्न पूजा पद्धतियों के आधार पर बांटने का षड्यंत्र किया और अपनी सत्ता को प्राप्ति के लिए देश को देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम किया था ये जग जाहिर है। लेकिन जिस तरह से सैम पित्रोदा ने बयान दे करके कांग्रेस के रेसिस्ट चेहरे को उजागर किया उसके बाद में कल मणिशंकर अय्यर साहब के बयान के बाद जिस तरह की हकीकत एक बार फिर सामने आई है कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है।
जिस तरह से पाकिस्तान के साथ में मिलीभगत, चीन के साथ में अंडरस्टैंडिंग कांग्रेस के नेताओं की और कांग्रेस के नेताओं की के रेसिस्ट चेहरे को जिस तरह से अब जनता ने देखा, जाना और पहचाना है, एक बार फिर देश की जनता अब ये पहचान चुकी है, ये मान चुकी है कि अगर भारत प्रगति कर सकता है, विकसित हो सकता है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। आम आदमी पार्टी जो पार्टी भी डिफरेंस का नारा लेकर के ईमानदारी का नकाब ओढ़ करके, लबादा ओढ़ करके देश की जनता के सामने आई थी, आज उसका चेहरा भी बेनकाब हुआ है। और आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से राष्ट्रीय उनके अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री से लेकर के अनेक नेता जिस तरह से जेल की सीखचों के पीछे गए हैं और उनके भ्रष्टाचार के काले कारनामे आज लोगों के सामने आए हैं, समय आ जाने दीजिए, थोड़े समय बाद में ठीक इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की होने वाली है। वो भी इसी तरह से जिस तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनके भी कच्चे चिट्ठे लोगों के सामने आने वाले हैं। पंजाब की जनता ने विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से पलक पांवड़े बिछा करके आम आदमी पार्टी के नेताओं का स्वागत किया था और उनको सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया था, आज पंजाब की जनता त्राहिमाम करती है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, अपने को धोखा हुआ ऐसा महसूस करती है, अपने साथ धक्का हुआ ऐसा महसूस करती है। और पंजाब की जनता एक बार आम आदमी पार्टी को सबक सिखाने के लिए भी इस लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने वाली है। मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि कमल खिलेगा, गुरदासपुर में भी खिलेगा और पंजाब में अनेक लोकसभा क्षेत्रों में लोग विस्मय करें, ऐसे परिणाम आने वाले। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, देखिए कंडीशनल बेल टिल फर्स्ट दी है, 2 तारीख को वापस सरेंडर करना है, ये इस बात का परिचायक है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल चुनाव में ये बहाना न ले सके, मात्र इसके लिए उनको 5 दिन की मोहलत दी है। उनको उनके जो उन्होंने पाप किए हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस पर बिना किसी कमेंट किए हुए मात्र लोकतंत्र की आस्था को बचाए रखने के लिए न्यायालय ने इस तरह का निर्णय किया है। न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन 2 तारीख को फिर वापस उनको उसी जगह पर जाना है। देखिए मुझे नहीं लगता आज के इस ज़माने में, जब देश की जनता इस मीडिया के युग में, सोशल मीडिया के युग में, इलेक्ट्रॉनिक्स के युग में, जब टेक्नोलॉजी के इस युग में जब हर विषय को ठीक से समझती है, तब इसका प्रभाव चुनाव में किंचित मात्र भी होगा, लेश मात्र भी होगा, ऐसा मैं नहीं मानता।